आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर समसामयिकी खंड से संबंधित एक वीडियो श्रृंखला को देख रहे थे। आज के इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो जून 2020 से जून 2021 के मध्य घटित हुई थी। यह इस शीर्षक के संबंधित पहला भाग है। इसका भाग दो का वीडियो हम आगे देखेंगे। सर्वप्रथम है यहाँ कि कार्यस्थल में जातिगत एवं नस्लीय न्याय की स्थिति में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध संगठनों का एक गठबंधन जिसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? तो 25 जनवरी 2021 ईस्वी को। इस गठबंधन का नाम क्या है? तो इसका नाम है पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव, यानी कार्यस्थल पर जातिगत और नस्लीय न्याय की स्थिति में सुधार करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसे विश्व आर्थिक मंच के इस इनिशिएटिव में शामिल होने वाली भारतीय कंपनी है विप्रो लिमिटेड, जो 3 मार्च 2021 ईस्वी को इस इनिशिएटिव में लॉन्च इस इनिशिएटिव में शामिल हुई है। इसके बाद है महिला व्यापार एवं कानून रिपोर्ट 2021 फरवरी 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान कानूनी सुरक्षा कितने देशों में प्रदान किया गया है? तो वे 10 राष्ट्र हैं जिन्हें प्रमुख है या 10 राष्ट्र हैं जिनमें शामिल हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड आदि देश इसमें शामिल हैं। आगे है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई है 2 मार्च 2021 को। इसके अनुसार एलन मस्क, जो अमेरिका के नागरिक हैं और टेस्ला मोटर्स के मालिक हैं तथा स्पेस एक्स अंतरिक्ष कंपनी के भी मालिक हैं एलन मस्क, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को इस सूची में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इस सूचकांक के अनुसार भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 117 है। आगे है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश कौन है? तो चीन वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में विश्व का सबसे अग्रणी देश है। वहीं है स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करने का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है जिसे क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के नाम से जाना जाता है। इस मंच या CEM की 12वीं बैठक का आयोजन 31 मई से 6 जून 2021 को किया गया था। इस बैठक का आयोजन या इस बैठक की मेजबानी चिली के द्वारा की गई थी। यहां एक उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत ने 2013 ईस्वी के चौथी CEM4 का आयोजन किया था। वहीं वर्तमान में CEM के सदस्यों की संख्या 29 है। ध्यान रखिएगा CEM के सदस्यों की संख्या 29 है। वहीं CEM12 के दौरान भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में सरकारों एवं संगठनों के गठबंधन के द्वारा एक पहल को लॉन्च किया गया है। इस पहल का नाम है IDDI पहल, जो कि इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव इसका नाम दिया गया है। आगे है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडू द्वारा समन्वित IDDI पहल में भारत एवं यूके के अतिरिक्त शामिल कौन से देश हैं? तो जर्मनी, कनाडा, UAE इस पहल में भारत के साथ शामिल हैं। वहीं IDDI पहल के तहत इन आवश्यक पदार्थों के निम्न कार्बन संस्करणों की खरीद हेतु न्यूनतम 10 देशों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कौन से पदार्थ हैं? तो स्टील और सीमेंट। इसके पश्चात है कि इस बैठक के दौरान ही कुछ अन्य पहलें भी लॉन्च की गई हैं, जिनमें प्रमुख है, पहला लॉन्च किया गया है पहल के रूप में ग्लोबल हाइड्रोजन पोर्ट्स कोएलिशन, उसके पश्चात है एम्पावरिंग पीपुल इनिशिएटिव और बायो फ्यूचर कैंपेन।
बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश हैं अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा और भारत और नीदरलैंड्स इस कैंपेन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता देश हैं। आगे है ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ को नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाया गया। यह दिवस 23 मार्च 2021 ईस्वी को ब्रिटेन में मनाया गया है। हाल ही में भारत समर्थित कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने वाला कौन सा समूह या संघ है? तो मार्च 2021 ईस्वी में यूरोपीय संघ भारत समर्थित CDRI में शामिल हुआ है। इसके पश्चात है कि ICDRI का तृतीय संस्करण का आयोजन कब हुआ था? तो 17 मार्च से 19 मार्च 2021 के मध्य इसका तृतीय संस्करण का आयोजन हुआ। वहीं कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके पश्चात है कि हाल ही में मरणासन्न स्थिति वाले मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया को वैध घोषित करने वाला चौथा यूरोपीय देश कौन है? तो 18 मार्च 2021 को स्पेन ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से वैध करार दिया है। इस स्पेन के पूर्व नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लक्जमबर्ग ने इच्छा मृत्यु को कानूनी वैधता प्रदान की है। वहीं अगला प्रश्न है था कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुरके, घूंघट इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? तो वह देश है श्रीलंका, जिसने 27 अप्रैल 2021 ईस्वी को सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुरके, घूंघट इत्यादि पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया है। आगे है कि 11 मार्च 2021 ईस्वी को सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। यह सांगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो सांगे ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। भारत के द्वारा चाबहार दिवस 4 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति से संबंधित है। यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछने की संभावना इसकी बनती है कि भारत के द्वारा चाबहार दिवस कब मनाया गया। तो 4 मार्च 2021 को यह दिवस मनाया गया था। आगे है वर्ष 2021 के लिए फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार प्राप्त किसे प्राप्त हुआ है? तो राबिया धूर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात है कि उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो वह देश है डेनमार्क, जिसने उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा की है। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष, याद रखिएगा कदन्न को मिलेट्स कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष या इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया है। तो वर्ष 2023 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। यह प्रस्ताव जो था भारत के द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2021 को घोषित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन कौन से हैं? तो पहला है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसके पश्चात है सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसके बाद है फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और चौथा है बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यह चार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं जिसे 2021 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। आगे है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। वहीं वर्ष 2024 को ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। आगे है संयुक्त राष्ट्र नाविकीय हथियारों के निषेध पर संधि को न्यूयॉर्क में 7 जुलाई 2017 को अंगीकृत किया गया था। इस संधि पर यानी नाभिकीय हथियारों की निषेध संधि का अनुसमर्थन करने वाला 50वां राष्ट्र कौन है?
तो वह होंडुरास है जिसने इस संधि को अपना अनुसमर्थन प्रदान किया है। इसके पश्चात है कि 50 राष्ट्रों के द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने के पश्चात नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि लागू हो गई है। कब से? 22 जनवरी 2021 ईस्वी से यह संधि लागू हो गई है। आगे है, दिसंबर 2020 ईस्वी में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। आगे है, कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला देश कौन है? तो वह देश ऑस्ट्रेलिया है जिसने गो फॉर जीरो की नीति कोविड-19 के संदर्भ में लागू की थी। आगे है, मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन है? तो वह देश अमेरिका है जो विश्व में सर्वाधिक शस्त्रों की आपूर्ति करता है। इस अवधि के दौरान विश्व के कुल शस्त्र निर्यात में अमेरिका का हिस्सा था 37%। आगे है कि इसी सूचकांक के अनुसार कि विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश सऊदी अरब है, वहीं भारत का स्थान इस सूची में शस्त्र आयातकों की सूची में दूसरा है। भारत ने इस अवधि के दौरान विश्व के कुल शस्त्र आयात का 9.5% आयात किया था। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है, वर्तमान समय में भारत को इस अवधि के दौरान शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति रूस के द्वारा की गई है। वहीं भारत इस सूचकांक के अनुसार इस अवधि में शस्त्र निर्यातकों की सूची में विश्व में भारत का स्थान 24वां है। ध्यान रखिएगा कि भारत शस्त्र निर्यात की सूची में विश्व में 24वां स्थान रखता है। भारत के शस्त्रों के शीर्ष 3 ग्राहक हैं। तो पहला है म्यांमार, जो कि कुल निर्यात का 52% म्यांमार खरीदता है। इसके पश्चात है श्रीलंका और तीसरा है मॉरिशस। ये 3 देश हैं भारत के प्रमुख शस्त्र ग्राहक। इसके पश्चात है कि 100 उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं की द्वितीय वार्षिक टाइम 100 नेक्स्ट सूची 17 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। इस सूची में शामिल भारतीय या भारतीय मूल के प्रमुख व्यक्ति हैं विजया गड्डे, ये ट्विटर की प्रमुख विधिक अधिकारी हैं, ऋषि सुनक यूके के वित्त मंत्री हैं, चंद्रशेखर आज़ाद यह भारत में भीम आर्मी के प्रमुख के रूप में इन्हें जाना जाता है। वहीं चौथे स्थान पर हैं अपूर्व मेहता, इन्हें इंस्टाकार्ट के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पांचवा है शिखा गुप्ता, ये गेट्स अपी के कार्यकारी निदेशक हैं और रोहन पाबुलुरी यूपी सॉल्व के संस्थापक हैं। इन छः व्यक्तियों को टाइम 100 नेक्स्ट सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वॉइस ऑफ द कस्टमर की मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय हवाई अड्डे हैं। इन्हें यह मान्यता 8 फरवरी 2021 को प्राप्त हुआ है। ये हवाई अड्डे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, इसके पश्चात है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचीन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को ACI के द्वारा वॉइस ऑफ द कस्टमर मान्यता प्रदान की गई है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के साथ पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ने की घोषणा किस देश के द्वारा हाल ही में की गई है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका या USA है जो UNHRC के साथ पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ा है। अमेरिका ने UNHRC की सदस्यता वर्ष 2018 में त्याग दी था। आज का हमारा यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।